तो क्या हालचाल भाई लोग। और हाँ, एक बार फिर से सेल स्टार्ट हो चुकी है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे सेल लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप लोग हो यूट्यूबर और सोचते हो इस दिवाली फेस्टिव सीजन इक्विपमेंट खरीदने के, तो भाई साहब सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स जो कि मिल रहे हैं कैमरा, माइक्स और जितने भी यूट्यूब इक्विपमेंट है। और हाँ, ये जितने भी इक्विपमेंट्स है बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपके यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ाने में। सो हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है ये टूल्स, ये इक्विपमेंट महंगे हैं, थोड़े से कॉस्टली है, तो बिल्कुल भी मत लेना। कोई भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अच्छे यूट्यूबर बनने के लिए आप लोगों के पास अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, वो भी महंगे वाले। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन है, उसमें एक HD कैमरा दिया गया है, उसमें एक माइक दिया गया है, तो यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो फिर ये टूल्स है किन के लिए? अगर आप लोगों के पास पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे टूल्स लेने के लिए, तो जरूर लीजिए। ये आपके वीडियो क्वालिटी को इनहेंस करेगा। या फिर अगर आप लोग ऐसे कंडीशन में पहुंच गए हो यूट्यूब पे जहां पे आप लोगों को लगता है कि मुझे अपनी वीडियो क्वालिटी को इनहेंस करना है, तब लीजिए, जरूर लीजिए। इन स्टिल में फिर से वही बात बोलूंगा, आप लोगों को ओवरऑल मेहनत तो खुद से ही करनी पड़ेगी। तो अब जो भी है, जल्दी से आप लोगों को डील्स के बारे में बता देना चाहता हूं। जो सबसे पहली चीज मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी वीडियो क्वालिटी में यूट्यूब के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियो क्वालिटी। अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा माइक है, तो ओवरऑल ऑफकोर्स आप लोगों की वीडियो क्वालिटी इनहेंस होगी। तो यहां पे मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लेवियर माइक है, थोड़ी सा कॉस्टली है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन टेक्निकल गुरुजी, माय टेक्निकल सपोर्ट, इसे यूज करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बोया M1 लेवियर माइक की, मैं भी इसे यूज करता हूँ। बहुत अच्छा माइक है, कीमत लगभग 2000 से 1700 वेरी करते रहती है। आप लोग देख लेना, लेना है तो ले सकते हो। थोड़ी सी और अगर आप लोग पैसे खर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लू का स्नोबॉल देखने को मिलेगा, जो कि 4 से 6 हजार तक में पड़ जाएगा। पर अगर आप लोगों को यहाँ पे एकदम हाई क्लास ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ब्लू माइक्रोफोन्स का यटी USB वाला आता है। थोड़ा सा महंगा है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा है, बेसिकली 12000 का पड़ेगा, लेकिन सुपर्ब है। मैं आप लोगों को, अगर आप यूट्यूबर है वो भी अच्छे खासे, तो यार ये वाला तो जरूर ही लेना। रुको रुको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सस्ते जुगाड़ भी बता रहा हूँ। तो 100-200 रुपए में आप लोगों को मार्केट में कोई सा भी लेवियर माइक देखने को मिल जाएगा, और कम से कम इसकी ऑडियो क्वालिटी आपके फोन के ऑडियो क्वालिटी से तो अच्छी ही होती है। अगर आप लोगों के पास इतना भी नहीं है एफर्ट करने के लिए, तो आप अपने ईयरफोन्स के माइक को यूज कर सकते हो एक माइक की तरह, ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी होगी। और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, अगर आप लोगों को परचेज करने तो जरूर ले लो। तो अब बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात किसी भी वीडियो में कैमरा का ही होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास पहले से Redmi Note 4, Moto G5 Plus, तो ये बहुत अच्छे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा DSLR में पैसे इन्वेस्ट करने की। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है DSLR खरीदना, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कैनन का 1300D। मानता हूं आप लोगों को यहाँ पे कोई ऑटो फोकस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई फ्लिप अप स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे कोई नई माइक इनपुट है, लेकिन स्टिल ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, आप जरूर ले सकते। एक ओवर और बिगिनर DSLR के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़े से और पैसे लगाने हैं, अच्छा ऑटो फोकसिंग कैमरा लेना है जिसकी स्क्रीन भी फ्लिप अप हो और यहाँ पे माइक इनपुट का भी सपोर्ट हो, तो ये नंबर 1 पिक है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अगर आप लोगों को DSLR से वीडियो शूट करना है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कैनन 200D ले लो। अभी लॉन्च हुआ है, मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं इस कैमरे को लॉन्च हुए। 37 से 38 हजार रुपए में फिलहाल अमेजोन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे लेना है ले सकते हो, नंबर 1 पिक है मेरी तरफ से। और अगर आप लोग यहाँ पे थोड़े से और पैसे लगाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छे कैमरास देखने को मिल जाएंगे, तो जैसे कि कैनन 800D लगभग 50 से 55 हजार में देखने को मिल जाएगा। अच्छा कैमरा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फोटोग्राफी के हिसाब से अच्छा कैमरा है। यहाँ पे 5-6 हजार एक्स्ट्रा लगाने पे यहाँ पे आप लोगों को कैनन 77D देखने को मिल जाएगा, अच्छा कैमरा है। लेकिन थोड़े और अगर आप लोग पैसे मिला सकते हो, तो नंबर 1 पिक, और मतलब कि हर यूट्यूबर लगभग यूज करता है इस DSLR का, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कैनन 80D का। बड़ा सा कैमरा है, बिल्ड क्वालिटी ऑसम है, वेदर प्रूफिंग है, ऑटो फोकसिंग जबरदस्त है, फ्लिप अप स्क्रीन है, माइक इनपुट है, मतलब जो चाहिए आपको एक यूट्यूब कैमरा में ये कैमरा ऑफर करेगा। आप किसी भी यूट्यूबर से पूछ लो, मतलब ऑलमोस्ट, तो ये आप लोगों को यही कैमरा रिकमेंड करेंगे हर यूट्यूबर। लेकिन अगर आप लोगों को 4K करना है, पोर्टेबिलिटी वाइज कोई दूसरा कैमरा लेना है, कैनन के साथ कोई दुश्मनी है, तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो सोनी A6500। बहुत अच्छा कैमरा है, लाइट वेट है, उससे कहीं गुना ज्यादा छोटा है, और यहाँ पे आप लोगों को
4K 30 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कमाल का ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, मतलब कैनन और सोनी बहुत आगे हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम के मामले में। इसका एक छोटा वेरिएंट भी आता है, सोनी अल्फा 16300। लेकिन यहाँ पे अंतर, यहाँ पे आप लोगों को इंटरनल ऑप्टिकल स्टेबिलाइजर का देखने को मिलता है, और सोनी अल्फा 16300 में आप जब 4K रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा हीट होता है ओवरऑल। लेकिन अगर आप लोगों को सोनी भी नहीं लेना तो एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ यूट्यूब में रिकॉर्ड करने की, अगर आप लोगों को बजट लगभग 1,00,000 रुपए है कैमरा में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो पैरासोनिक GH4। बहुत अच्छा कैमरा है, वीडियो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अगेन बहुत सारे यूट्यूबर्स इस कैमरा को यूज करते हैं, ग्रीकी रंजीत और बहुत सारे विदेश के लोग भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का बजट मतलब अनलिमिटेड है, मतलब आपको कैमरा खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े रही सावल हो आप लोग, तो आप लोग ले सकते हो यहाँ पे सोनी अल्फा A7X Mark II, कैनन 5D Mark IV। और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप लोगों को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी एक्सपर्ट ही होंगे इस फील्ड में। और अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे होंगे, भाई आप लोगों ने तो कोई पॉइंट एंड शूट कैमरा बताया नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट एंड शूट कैमरा है मेरे भाई, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। GX1 मतलब GX सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि आती है कैनन की तरफ से और बहुत ज्यादा पॉपुलर है खासकर पूरे यूट्यूबर्स में। लोचा वही अवेलेबिलिटी का हो जाता है इंडिया में, पता नहीं कहाँ मिलता है। अगर आप लोगों को मिलता है तो जरूर ले सकते हो, ब्लॉगिंग के लिए एक अच्छे कैमराज हैं। और बाकी पॉइंट एंड शूट की बात करूं तो यार मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास एक अच्छा खासा फोन है जिसका फ्रंट कैमरा अच्छा खासा है तो उसी से ब्लॉगिंग करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोगों के पास एक अच्छा कैमरा वाला फोन है जैसे कि गैलेक्सी S7, गूगल पिक्सल और पिक्सल 2 जो कि इस साल लॉन्च हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं है यार आप लोगों को एक DSLR खरीदने की। ऑलमोस्ट सिमिलर ही वीडियो क्वालिटी हो जाती है और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। बट एनीवेज जितने भी चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया सबके लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कैमरा को माउंट करने के लिए ट्राइपॉड, तो ट्राइपॉड के बारे में यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आप लोगों को एक व्लॉगिंग करनी है तो गोरिल्ला पॉड लो, उसके लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। और बाकी जितने है मेरे हिसाब से अच्छे लगते हैं मैंने सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग ऑफ कोर्स जाके खरीद सकते हो, थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी हो जाएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही था, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा खींचा गया यह वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मत मारना। थोड़ा सा बिजी हूं अभी तो उतनी अच्छी तरीके से एडिटिंग ना हो पा रही होगी तो माफी है। लेकिन भाई साहब अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब क्या क्या कर क्या रहे हो यार, कर दो यार मतलब प्लीज, और घंटा तो दबा ही दो ना आप लोग प्लीज। ठीक है, बाय बाय।